Good morning, good afternoon, ladies, gentlemen, and friends. Silent Hill Studio Private Limited और हिमाचल की ओर से मैं कपिल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। खासकर मीडिया से आए हमारे दोस्तों का, श्री राजेश शर्मा जी का फ्रॉम रियल एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड, प्लीज अजय सतरानी जी और अन्य। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री राजेश शर्मा जी से, डायरेक्टर ऑफ देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कि वो करें। श्री राजेश शर्मा जी, थैंक यू सर। थैंक यू। इस फिल्म के लिए उन्होंने वक्त निकाला कि इस फिल्म के दो गाने वो गा पाएं। तो फिल्म के बारे में बात हो रही थी, सांझ फिल्म। मैं सबसे पहले टाइटल से शुरू करूंगा। सांझ एक ऐसा वर्ड है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि टाइटल कहां से आया, क्यों आया और इसका क्या रिलेशन है फिल्म से। हम बात करते हैं भाषा की, किसी भी भाषा की, किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं। तो हम ये फिल्म जो है ज़्यादातर हम हिमाचली पे हमने बनाई है और हिमाचली पे हमारा पहले फोकस था। अब इसको हम हिंदी में भी रिलीज़ कर रहे हैं। सो हमारा जो फोकस था उसमें ये था कि लैंग्वेज जो हिमाचल की जो लैंग्वेज है, क्योंकि हिमाचल की हमारी जो भाषा है उसको भाषा का दर्जा नहीं मिला है। सो अब क्या है कि धीरे धीरे वो लैंग्वेज ख़त्म हो रही है। तो जब कोई भी लैंग्वेज ख़त्म हो रही होती है तो उसकी हालत ऐसी होती है कि उसकी अपनी जो रिस्पेक्ट है, अपनी जो आइडेंटिटी है, वो खो रही होती है। तो सांझ से हमारा मतलब था कि हमारी जो लैंग्वेज है वो एक ऐसे पड़ाव में पहुंच चुकी है जो शाम का समय है, यानी वो अंधेरे की तरफ बढ़ रही है। उजाला है उसका, जो उस लैंग्वेज का जो उजाला है वो ख़त्म हो रहा है। दूसरा जो रिलेशन था हमारे कल्चर से था कि हमारा जो कल्चर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, वो भी एक सांझ के पड़ाव में पहुँच चुका है, वो भी अंधेरे की तरफ बढ़ रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा जो फिल्म, क्योंकि ये रिलेशंस पे ज़्यादा डिपेंड करती है, रिश्तों की ज़्यादा बात करती है, तो जो मेन हमारा फोकस फिल्म में है वो है गांव में रहने वाले जो बुजुर्ग हैं उनके अकेलेपन से। तो वो बुजुर्ग जो है अपनी ज़िंदगी की सांझ में पहुंच चुके हैं, शाम में पहुंच चुके हैं, उनकी लाइफ में आगे अंधेरा है। तो उनकी ज़िंदगी बहुत जल्दी ख़त्म होने जा रही है। उनके जो बच्चे हैं वो शहरों में माइग्रेट हो चुके हैं और उनका जो अकेलापन है वो अकेले जो है गाँव में ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो सांझ का मतलब ज़िंदगी का अकेलापन, बुजुर्गों का अकेलापन, हमारी भाषा का ख़त्म होना, हमारे कल्चर का ख़त्म होना, वहाँ से ये टॉपिक आया है और ये टाइटल हमने वहाँ से चूज़ किया था। फिल्म जो है कहानी है एक लड़की की और उसकी दादी की। दादी जो है गांव में अकेली रहती है और लड़की जो है शहर में अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, जिसको उसके पेरेंट्स किसी तरह एक दिन जो है किन्हीं कारणों से गाँव में छोड़ आते हैं उसकी दादी के पास। और वो कभी गांव में रही नहीं है तो वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है। लेकिन गांव में रहने वाली जो दादी है वो पहले कई सालों से अकेली रह रही है, तो वो भी एक अकेलेपन से गुजर रही है। तो यार दादी का और पोती का जो अकेलापन है, इसके बीच की पूरी कहानी है। इन दोनों की एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है, नोकझोंक है, लड़ाई है, और एक दूसरे को समझना और इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को समझना, यही पूरी फिल्म है हमारी बेस्ड। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारी फिल्म के आर्टिस्ट हैं, पहले मैं बताना चाहूंगा इन सबका डेब्यू है। हमारे जो मेन लीड है एक्ट्रेस वो है अदिति चाड़क जी, वो प्लीज यहाँ आए अदिति जी।
और हमारे मेन लीड एक्टर है विशाल परपकर जी, वो भी म्यूजिक डायरेक्टर है गौरव गुलेरिया जी, फीमेल सिंगर है पवित्रा चारी जी, और हमारे डिजिटल पार्टनर की तरफ से जो आए हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री अनुज वाजपेयी जी, हंगामा से सॉरी, और मैं को प्रोड्यूसर कर्नल एचआर सकलानी जी को भी मंच पे बुलाना चाहूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री अनुज वाजपेयी जी से कि वो म्यूजिक के बारे में दो शब्द कहें। इसको पैन इंडिया का भी प्रेफरेंस नहीं मिला, तो हमने एज अ हंगामा ये डिसाइड किया कि कैसे हम इस लैंग्वेज को पैन इंडिया लेकर जाएं डिजिटली। सो अगर आप हंगामा म्यूजिक या किसी भी म्यूजिक डेस्टिनेशन पर जाएंगे डिजिटल वे में, और आप उसके मेन पेज पर टॉप पर आप देखेंगे हिमाचली लैंग्वेज, इवन हिंदी के ऊपर, तो सांझ को हमने वहाँ पर लॉन्च किया है। उसको आप अगर हंगामा म्यूजिक को डाउनलोड करेंगे और आप देखेंगे, तो मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोगों ने सांझ को वहाँ प्लेस किया है। और स्ट्रांगली मैं बिलीव करता हूँ कि इसका म्यूजिक इतना सूथिंग है जो थोड़ा हार्डकर है, नॉट लाइक रैप एट ऑल, तो इट्स वेरी डिफरेंट म्यूजिक एंड आई होप कि म्यूजिक इज गोइंग टू बी वेरी ग्रेट। थैंक यू सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे कलाकार, मोहित चौहान जी है, डायरेक्टर सर है, कि हम सीडी का इनॉग्रेशन करें। प्लीज सर। थैंक यू। सेशन किसी को भी कोई भी क्वेश्चन आंसर करना हो, कुछ बातचीत करनी हो, तो कर सकते हैं हमारे डायरेक्टर सर से और मोहित चौहान जी से। दिल्ली 99 सर, कहते हैं कि एक अच्छा जो कलाकार है उसका एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए, तो हम ये आज देख रहे हैं इस मंच पर कि आप किस तरह से हिमाचल के जो मूवी है उसको आज प्रमोट अपने कीमती समय से आज देने के लिए आए हैं, तो इसी के बारे में मैं आपको कांग्रेस करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो बड़े सिंगर थे किशोर, रफ़ी, और आज उस नाम के आपको अपने अपने बॉलीवुड में एक जगह बना दिया, और इसी तरह के कार्य आप करते रहे और इस तरह से प्रमोट करते रहे हिमाचल को। हम मैं दिल्ली 99 और दिल्ली के दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस तरह नमस्ते एवरीवन, और मैं अजय जी को, अजय सकलानी जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये जो सांझ फिल्म इन्होंने बनाई है और उसका मुझे मौका लगा है उस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए, दो गीत मुझे गाने को मिले इस फिल्म में, और मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। मैं बहुत वक्त से सोचता था भाई हिमाचल की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका भी कुछ
श्री गणेश होना चाहिए कि हमारी भी फिल्में बने, हमारी भी फिल्में बाहर जाएं और पूरे हिंदुस्तान में रीजनल सिनेमा जो है बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारे स्टेट्स में, पंजाब में भी बहुत स्ट्रांग है और वहाँ पर भी मैंने कई गीत गाए। तो हिमाचल में ये जो फिल्म अब अजय जी ने बनाई है, मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम रियली ऑनर्ड एंड हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ और मैं चाहूँगा कि ये फिल्म हिंदुस्तान में और विदेश में सब लोग देखें, जिससे हमारे हिमाचल का कल्चर, हमारा म्यूजिक और हमारे जो इमोशंस हैं माउंटेन्स में, वो सब रीच आउट करें लोगों तक। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट अजय टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। So why do you think it's taken so long for, you know, a film to come out of Himachal Pradesh finally? Clearly there's no dearth of talent, you know, there's so many good looking people coming up from the hills, but a film to be made in the language, you know, Himachali mein bani, itna time kyun laga when others, you know, whether it's Bhojpuri or Bengali film industries have been doing well, Punjabi industry, you know, with Char Sahibzade has been making money at the box office, Marathi films. So why do you think it's taken so long? इस सवाल का जवाब अजय जी दे पाएंगे बहुत अच्छे से, लेकिन मेरे ख्याल से रिसोर्सेज का होता है, टैलेंट की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, लेकिन रिसोर्सेज जो है, फाइनेंसेस हैं एंड फॉर पीपल टू बी एबल टू पुट मनी इन यू नो रीजनल थिंग लाइक दिस, तो आई थिंक वो मुश्किल होती होगी मेरे ख्याल से। एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज को लेकर के है कि हिमाचली कोई लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज जो है प्रॉपर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज नहीं आती है, तो हमारे यहाँ डिफरेंट डायलैक्ट्स हैं और सिनेमा की जो एक डिफरेंट लैंग्वेज होती है उसको अभी तक हम समझना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब डिफरेंट डायलैक्ट्स हैं तो कौन सी डायलैक्ट में जो है फिल्म बनाई जाए, अगर हम किसी लोअर हिमाचल के डायलैक्ट में बनाते तो अपर हिमाचल वाले नहीं देख पाएंगे, अगर अपर वाले में बनाते तो लोअर हिमाचल वाले नहीं देख पाएंगे, या लाहौर स्पीति की बात करें तो वहाँ की लैंग्वेज है वो तिब्बत से काफ़ी मिलती जुलती है। सो एक तो ये कन्फ्यूजन ज़्यादातर लोगों के माइंड में रहता है, दूसरा जो है दूसरा हिमाचल में पॉपुलेशन उतने नहीं है, स्कैटर्ड है और हिमाचल में टोटल 16 सिनेमा हॉल है, टोटल 16 जो बहुत कम है। सो अगर आप ज़्यादा नहीं सिर्फ 10 लाख रुपए लगा के भी एक फिल्म बनाते हैं, नॉर्मल फिल्म 10 लाख रुपए लगा के, तो उसको रिकवर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए लोगों का या फिल्म मेकर्स के माइंड में सबसे पहली बात आती है कि हम बनाएं तो हम क्यों बनाएं, हम कैसे बनाएंगे और कैसे उसको रिकवर करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल इशू रहते हैं और उसमें फिर कोई पैसा लगाता नहीं है। जैसे हमारे साथ है, जब हमने इसका काम शुरू किया था तो उसके बाद फाइनेंसिस को लेकर सबसे बड़े इशूज़ थे, क्योंकि कोई भी इस बात के लिए रेडी नहीं था कि हिमाचली फिल्म को जो है हम करें। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का इशू था, बट अच्छी बात यह थी कि हमें बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर मिल गए, पीसीयू प्राइवेट लिमिटेड एंड शौर्य एंटरटेनमेंट एस्टैब्लिशमेंट, और बहुत अच्छी बात यह भी है कि वो भी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी हिमाचल से ही है। और बट ये था कि हमारे लिए, क्योंकि फिल्म जो है वो रैगो स्प्रिंग्स फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट पिक्चर फिल्म का अवार्ड मिला, हमें अवार्ड ऑफ मेरिट हमें मिला कैलिफोर्निया में द अकोलेट ग्लोबल फिल्म कॉम्पिटिशन में, तो वहाँ से थोड़ा पिक हुई और उसके बाद और अच्छा करना लगे। ये फिल्म आपने दोनों लैंग्वेजेस में शूट करी है या हिमाचली में बनाने के बाद हिंदी में? एक्चुअली एक लैंग्वेज में शूट करने का बजट ही बहुत होता है, दो में तो हम इमोशनली कैसे करते हैं, पर ये है कि हाँ डब किया हमने हिंदी में इसको, बट हमने कोशिश की है कि हम इसको हिंदी में जब डब कर रहे हैं तो वर्ड्स को इतना क्लोज रखें कि वो लगे ना कि डबिंग है, और हमें बहुत अच्छा लगा कि 80% हमने वो अचीव किया है, कई बहुत सारी जगह पर आपको नहीं लगेगा कि ये डब है फिल्म। और आई थिंक दोनों फीमेल एक्टर्स यहाँ पर हैं, तो मैं चाहूँगा कि किस सॉरी तो जो फीमेल एक्टर्स हैं, मैं चाहूँगा किस तरह का आपका किरदार है और आगे आने वाले समय में आप किस तरह से देखते हैं, जैसे आप मोहित चौहान सर के साथ खड़े हैं तो क्या बॉलीवुड की तरफ देखते हैं या हिमाचल को ही आगे प्रमोट करने के लिए हिमाचली फिल्मों में ही आगे आप काम करना चाहेंगे? हाँ, जैसे आपको जैसे ने बताया, एक्चुअली हमारा मेन फोकस पहाड़ी सिनेमा को ही बनाना है, हम पहाड़ी सबसे अच्छी बात है मोहित चौहान ने गाना गाया हमारे, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। I have a question. मैं थोड़ा सा अदिति के बारे में बोलना चाहूँगा। अदिति अदिति चाड़क जो पूरा नाम है, अदिति कॉलेज स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर में पढ़ रही है। अदिति ने लाइफ में कभी भी कोई एक्टिंग या कुछ नहीं किया था, ये फर्स्ट टाइम है कि वो कुछ कर उसने
सोचा कि उसे कुछ करना है इस फील्ड में, और जब हमने ऑडिशन दिया हमने इसको सेलेक्ट किया, तो ये भी सरप्राइज थी कि ये कैसे हो गया, और हम भी सरप्राइज थे कि हमें एक फ्रेश टैलेंट कैसे एकदम से इतना अच्छा मिल गया। शी परफॉर्म वेरी वेल। हाँ, ये विशाल थपक्का, विशाल का कैरेक्टर बड़ा स्पेशल कैरेक्टर है इस फिल्म में। ये एक ऐसे लड़के का कैरेक्टर है जो दिमाग से भी बच्चा है लेकिन उम्र में बड़ा हो गया है, सो मेरे ख्याल से वही ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा कि कैसे करना है। हेलो एवरीवन, थैंक यू मीडिया एंड थैंक यू मोहित चौहान सर, जो आए टाइम निकाल के हमारी मूवी को बहुत बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और ये आपने मेरे करेक्टर की बात करी, ये करेक्टर बहुत भोला है जो मैं करेक्टर कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं सबसे भोला हूँ, सही में मैं भोला हूँ। तो मूवी बहुत अच्छी है, मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट है और जनता से भी रिक्वेस्ट है, सब आएँ और हमारी मूवी को सपोर्ट करें। हिमाचल की मूवी सांझ, और ये बहुत बड़ा ऑनर है मोहित चौहान सर के साथ करने के लिए। जैसे पहले हमने कहा था कि सबका डेब्यू है, ये मेरी डेब्यू फिल्म है। आई थिंक मोहित सर के लिए भी ये पहली बार है कि हिमाचली फिल्म में गाना गाया है, इससे पहले उन्होंने हिमाचली एल्बम आपने निकाली थी, फोक सॉन्ग। मतलब एल्बम निकाला है पर फिल्म को हिमाचली में मौका नहीं मिला क्योंकि हिमाचली फिल्म उस तरीके से बनी नहीं है, तो मेरा भी ये हिमाचली डेब्यू है। एंड इस फिल्म का जो म्यूजिक है, आज हम म्यूजिक लॉन्च पे हैं तो गौरव गुलेरिया ने इस फिल्म का म्यूजिक किया है, एंड गौरव के लिए भी ये डेब्यू है क्योंकि गौरव ने इससे पहले म्यूजिक में अपना कुछ भी पब्लिक के सामने मतलब कुछ लेकर नहीं आए हैं, जबकि इस फिल्म से पहले गौरव के दो सॉन्ग्स ने रिकॉर्ड किए थे लेकिन वो भी आज तक रिलीज नहीं किया है, अब वेट कर रहे हैं कि फिल्म रिलीज होने के बाद उसको रिलीज करेंगे। तो गौरव से भी हम उनके रिव्यू जानना चाहेंगे। और पवित्रा जो फीमेल वोकलिस्ट हैं, पवित्रा हिमाचली नहीं है लेकिन उन्होंने हिमाचली लैंग्वेज में बहुत अच्छा गाया है, बहुत बढ़िया और बहुत मेलोडियस वॉइस है। सो मैं चाहता हूँ कि गौरव और पवित्रा भी अपने कुछ पॉइंट शेयर करें। हेलो एवरीवन, सो म्यूजिक तो आप लोग सुनेंगे तो आप ही लोग बता सकते हैं कैसा है। तो आई थिंक म्यूजिक की जर्नी जो होती है वो इट्स लाइक कोलैबोरेटिव एफर्ट व्हेन यू वर्किंग यू नो मेकिंग म्यूजिक फॉर अ मूवी, व्हेन यू आर डूइंग इट एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट उस टाइम थोड़ा इजी हो जाता है बिकॉज यू नो कि हाँ ये तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग फॉर माई सेल्फ, बट व्हेन यू आर डूइंग फॉर अ मूवी सो थोड़ा इट्स लाइक बिकॉज यू हैव टू you know match up with the expectation of the director because he has certain sense of you know how the music needs to be shown on the screen, so I guess that is a tricky part, but then music you know it comes naturally when it has to come it comes, and I'm very happy that it came and now it's like out for the people to you know review how you know the music is. Yeah, thank you. मैं तो सिर्फ धन्यवाद बोलना चाहूँगी आप सबको, ऑफकोर्स टू द टीम एंड मोहित सर, इट्स ग्रेट टू बी टू सॉर्ट ऑफ डू योर डेब्यू फॉर सच एन लवली फिल्म एंड इन अ लैंग्वेज दैट आई डोंट यूजली सिंग इन। अपने गुरुओं को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, सत्यनारायण महाराणा जी और शुभा मुद्गल जी, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, और अनिंदो बोस को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी जिनकी वजह से मुझे प्रोजेक्ट के बारे में पता चला और जिनके स्टूडियो में हमने रिकॉर्ड किया। So I really hope you all enjoy the film. Please go watch it. Thank you. Uche amma me bana kadi hare jahan roi roi akhiyan sukhi gaya pani meri ho kai din hue chhati min jo gaya tu ab gaya sagi लई गया मेरी मुझे अम्मा मेरी ओना कर दी गए जो रोई रोई अखियां सुखी गया पानी मेरी हो। मोहित सर, सर आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज। Can you please sing Kun Faya Kun? Two lines.
इनके बाद देखते हैं। धीमे धीमे चले जाया मैंने जाना तेरे नाम, धीमे धीमे चले मैं एक तो शमीम आलम फिल्म भाई आजावा के उनको बुलाना चाहूँगा। सर ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं और हिमाचल में जितना भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए ये हर जगह हर प्रोजेक्ट में हमारे साथ करते हैं। और अमीन भाई एंड नज़र बट्टू टीम प्लीज कम फॉरवर्ड। नज़र बट्टू के बारे में आप काफ़ी लोग जानते होंगे। नज़र बट्टू जो है एक YouTube चैनल है, ऑनलाइन जो है नज़र बट्टू हम सब लोगों को हंसाता है, गुदगुदाता है। तो नज़र बट्टू जो है हमें इस फिल्म को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में नज़र बट्टू को भी लगता है कि ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो दूसरों तक पहुंचनी चाहिए। आई थिंक मैं अमीन को मैं दूंगा, वो तो कुछ कहना चाहें इस बारे में। थैंक यू सो मच अजय। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये जो इनिशिएट किया है, मतलब बीइंग अ पंजाबी सिनेमा जो हमने देखा है, कल्चर देखा है, जब आप पंजाबी जबान जानते हैं मोहित सर बोला, मतलब कहीं ना कहीं हम मतलब डोगरी हिमाचली उस तरफ अपने आप ही चले जाते हैं। और वो हमारा फर्स्ट मतलब पहला प्यार जो अब ऐसे आके निकला है, मतलब अजय ने इतना बड़ा इनिशिएट किया। किसी टाइम में हम लोग एक साथ काम करते थे, एक्चुअली ये मेरा कलीग था, अजय फिल्म बना रहा है और हिमाचली फिल्म, ये मेरे लिए बहुत मतलब हुआ लेकिन बहुत बड़ा सरप्राइज था। क्योंकि कब एक बंदा बड़ा हो जाता है और इतना बड़ा इनिशिएट लेता है कि वो फिल्म बनाए, क्योंकि आज तक मेरे जैसे के लिए फिल्म बनाना बहुत बड़ा ड्रीम है। और बिल्कुल मेरी मतलब हम ये मेरी टीम है, राजेश शुभम एंड आज अपने चैनल पे भी कहीं ना कहीं यही कर रहे हैं। हमने बहुत रीजनल कैरेक्टर्स उठाए जिनको आज तक किसी ने भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं शेयर किया है। हमारे कैरेक्टर्स हुए जो पुरानी दिल्ली में रहते हैं, हमारे कैरेक्टर्स हुए जो नोएडा में रहते हैं, एकदम ही रीजनल, और उनका फन ऐसा है कि आज तक कोई और दिखाई नहीं पाया है और बहुत फनी है। तो लोग जब फर्स्ट टाइम देखते हैं तो उनको भी बहुत इंजॉय करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक सेम जर्नी भी शेयर करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर टुगेदर। तो क्या हम कभी आपको इन फ्रंट ऑफ कैमरा देखेंगे हिंदी फिल्म में या अब हिमाचली फिल्म में? क्योंकि सर आपकी इतनी फैन फॉलोइंग, अगर आप किसी हिमाचली फिल्म में एक्ट करते हैं तो अपने आप उससे बहुत सपोर्ट और कवरेज मिलेगा फिल्म को। कोइंसिडेंटली मैं जब कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में था, तो संगीत जो था बचपन से साथ में चल रहा था, लेकिन मैंने बहुत थिएटर भी किया मैंने, और मैं NSD के थिएटर वर्कशॉप्स भी मैंने लगाए हैं, फुल लेंथ प्लेस भी किए हैं। तो एक टाइम से मुझे एक्टिंग का भी हमेशा से रहा है थोड़ा शौक। तो मैंने अजय जी को बोला है कि कभी जब नेक्स्ट बनाएंगे तो मुझे पूछना। एक्टिंग भी एक तरह से यू नो म्यूजिक का ही पार्ट मान सकते हैं आप, जिसमें आप यू go into a different zone and just like you do in music. Yes. So yeah, ठीक है जी, बोल दिया भी आपने। बिल्कुल अभी बोल रहा सामने, जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे कि हमें लगता है कि हम साथ में काम कर सकते हैं आगे एज एन एक्टर, तो फिर मुझे लगता है बोल देंगे यार नहीं कर सकते यार, ठीक ही बन रहा है। नहीं बट आई एम रियली रियली हैप्पी कि हिमाचल की ये फिल्म बाहर आने वाली है, जिससे हिमाचल की जो इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री जो अभी एकदम है ही नहीं होता वहाँ पर, तो उसको बहुत बड़ा इंकरेजमेंट मिलेगा। और वहाँ पर मैं जानता हूँ लोगों को जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं हिमाचल में जो लोकल थिएटर करते हैं, और तो उन लोगों को बहुत बहुत इंस्पायरिंग होगा ये, एंड सो आई एम रियली हैप्पी, यू नो दैट्स आई थिंक दैट्स रियली कूल। एंड सिर्फ आर्ट एंड कल्चर एंड लैंग्वेज की बात नहीं है, जब आप सांस देखेंगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि शायद आपने पहली बार हिमाचल को इस तरीके से देखा है कि हमने हिमाचल को एक नए रूप में दिखाने की कोशिश की है। सिर्फ आर्ट एंड कल्चर ही नहीं,
जो ब्यूटी है हिमाचल की, जो लैंडस्केप है, उनको हमने प्रॉपर तरीके से जो है शूट किया है एकदम अलग तरीके से। और हम बल्कि ये डिस्कस कर रहे थे कि कभी बॉलीवुड का भी जो शूट रहा है हिमाचल में, वो भी एक मनाली हो गया, रोहतांग पास में शूट कर लिया, या फिर धर्मशाला तक चले गए, या फिर शिमला चले गए, बस ये तक लिमिटेड रहता है। लेकिन जो इंटीरियर जो लोकेशन है, जो ब्यूटी है इंटीरियर, हम ट्रैकिंग पे जाके शूट करके हमने 8-8 घंटे तक हम ट्रैकिंग करके शूट करके आते थे। सो हमने ऐसी लोकेशंस फाइंड आउट की है जो आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, और मतलब जो भी इस फिल्म को देखेगा एटलीस्ट उसको एक बार मन करेगा कि वो हिमाचल जरूर जाए। हमने ये कोशिश me।